राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन तो हो गया है, लेकिन कांग्रेस के भीतर सिलेक्शन को लेकर काफी नाराजगी है। एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी पर कई नेताओं ने खुलकर असहमति जताई, तो वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बाहरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों से ऐसे नेताओं को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है जो उस स्टेट के ही नहीं है। भाजपा अब कांग्रेस के भीतर की नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भगवा पार्टी ने अपने दम पर जीती जा सकने वाली सीटों से ज्यादा का टारगेट बना लिया है। इसके लिए प्रभावशाली निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है। भाजपा ने राज्यसभा के चुनाव के लिए राजस्थान और हरियाणा से जी मीडिया कॉरपोरेशन और एसएल समूह के प्रमुख सुभाष चंद्रा और आईडीवी नेटवर्क के कार्तिकीय शर्मा को समर्थन दिया है। पार्टी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्रमश धनंजय महादिक और लहर सिंह सिरोया को मैदान में उतारा है। इससे साफ है कि भाजपा का यह दाव कांग्रेस के लिए नई टेंशन पैदा कर सकता है। यानी कृष्ण कुमार कुन्नत की मौत हो गई है। के अपने कॉन्सर्ट से कोलकाता आए थे। बताया जा रहा है कि वहां परफॉर्मेंस के बाद के की तबीयत बिगड़ गई और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। के की अचानक मौत से फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सिद्धू मूसेवाले की मौत के सदमे से लोग अभी उभर नहीं पाए थे कि के की मौत ने बड़ा झटका दे दिया है। केके के जाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन आ गया है जो कभी नहीं भरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अक्षय कुमार, सलीम मर्चेंट, अनु मलिक, जीत गांगुली और विशाल ददलानी समेत फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों ने केके की मौत पर शोक जताया है। केके 53 साल के थे। फैंस उनकी आखिरी परफॉर्मेंस की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और भावुक हो रहे हैं। केके की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। सिंगर के चेहरे और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। इस मामले में केस दर्ज किया गया है। पहले कहा जा रहा था कि केके की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बताई जा सकेगी। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में 18 साल के एक बंदूकधारी ने स्कूल में घुसकर 19 बच्चों समेत 21 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिकी इतिहास के सबसे निर्भय हत्याओं में शामिल टेक्सास की इस गोलीबारी का जिम्मेदार हमलावर का नाम सल्वाडोर रामोस है। रामोस ने सबसे पहले अपनी दादी को गोली मारकर हत्या कर दी, फिर स्कूल की तरफ रुख कर लिया। वो 18 साल का हो चुका था और वयस्क होते ही उसने सबसे पहले AR-15 राइफल उठाकर 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में मारी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हत्याकांड के लिए लॉबी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अब इसके खिलाफ कदम उठाने जाने का समय आ गया है। बाइडेन चाहे जो भी दावा करे, लेकिन अमेरिका में गन लॉबी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उसका विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं करता। आखिर ये गन कल्चर कैसे अमेरिका के लिए महामारी बन गया है। गन लॉबी है जो सरकार और संसद की चलने ही नहीं देती। अमेरिकी घरों में नागरिकों के पास करीब 40 करोड़ से ज्यादा बंदूकें हैं। पारिवारिक रूप से भावनात्मक कमी, होड़ में पिछड़ने का एहसास या फिर अकेलेपन का डर किसी किशोर पर हावी हो जाता है तो अचानक से एक जुनून का शिकार हो जाता है और तई समाज से बदला लेने के लिए उठ खड़ा होता है और इसके लिए वो सॉफ्ट टारगेट चुनता है।